वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी, वो तो इंजन की नियत खराब होगी उस पर। जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था, समस्या तो यही। कितना मस्त शब्द है छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुर्ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गाम? बोले गाम ने भी फूके का के। सेवा में आदरणीय शादीशुदा पुरुषों, आपसे निवेदन है कि आपकी लंबी आयु की रिचार्ज की तिथि आने वाली है, इसलिए आपसे सादर आग्रह है कि अपनी पत्नी को महंगी महंगी साड़ियां और गहने दिलवाकर अपनी आयु का रिचार्ज करवा दें। धन्यवाद। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। हमारे यहां जब हुआ चुनाव, हो गया, लोग जीत गए, तो एक नेता जी हमारे गांव में गए, हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। तो नेताजी ने मेरे दादाजी से बोला कि और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए, बोले कल ही अभी हम शपथ खाए हैं, टीवी पे भी नहीं आया है, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं, इसके नीचे का पद नहीं मिल सकता आपको भाई। क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर दो बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला मारी दो छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही है। तो अगले बोले छुट्टियां है वो। कमाल है। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसी एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास।
बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले, मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। सही बात है। क्या मैं अब किसी से नाराज नहीं होता? जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। जब हम कभी किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि वो उसका कोई हल निकाले। हम चाहते हैं वो बस सुन ले हमारी बात को, क्योंकि कभी कभी ना बस सुन लेने भर से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। इस दुनिया के लोगों की बात अद्भुत होती है। वो एक साहब ने तो अपने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा, भाई साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोले, अपने को काहे की तकलीफ है, तकलीफ तो उसको होगी जिसको वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे तो स्कूल के बाहर दो बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, मारी दो छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले, छुट्टियां है वो भाई, कमाल है। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसी एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले, अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले, मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। सही बात है। क्या इस दुनिया के लोगों की बात अद्भुत होती है।
वो एक साहब ने तो अपने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा भाई साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोले अपने को काहे की तकलीफ है, तकलीफ तो उसको होगी जिसको वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। सुनो आए? मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है।